नमस्कार सभी अपने इष्ट मित्रों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको हम बताते चलें कि आज रेवसा थाना इलाके में एक मासूम की जान उस वक्त चली गई जब एक भक्ति के जुनून में शरबत पिला रहा था झुंड। उसी झुंड में एक तेज़ रफ्तार ने बहराइच की तरफ से रेवसा की तरफ जा रहे वाहन ने जोरदार ठोकर मार दी, जिससे कि गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और जख्मी हालत में स्थानीय लोगों ने रेवसा से एसी लगे, जहां पर रेवसा से उसको रेफ़र किया गया और बाहर लखनऊ ले जाते समय महमूदाबाद और कुर्सी के मध्य में उसकी जान निकल गई। और जब परिजनों ने तत्काल स्थानीय डॉक्टरों को महमूदाबाद से एसी में और प्राइवेट में दिखाया तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आपको घटना से बताते चलें कि यह घटना रेवसा थाना के ग्राम करसा की है। करसा निवासी अमन उम्र लगभग 8 वर्ष, पुत्र पुत्ती लाल निर्मल का बेटा है, जो कि अपने ननिहाल थाना रेवसा के ग्राम शिवपुरी में जो है पप्पू के वहाँ था और वहीं पर शिवपुरी के ग्राम पंचायत के प्रधान शत्रुघ्न एक शरबत पिलाने का जो है कार्यक्रम रखा, जहाँ पर शिवपुरी के में ही चौराहे पर एक शरबत पिलाने का कार्यक्रम में उस शरबत पिलाया जा रहा था। उसी वक्त वो बच्चों के साथ शरबत पिला रहा था और अचानक बहराइच की तरफ से तेज़ रफ्तार ने ज़ोरदार ठोकर मार दी, जिससे कि गंभीर अवस्था में वो जख्मी हो गया। कई जगह चोटें आई लेकिन वो उसकी जान बचाई नहीं जा सकी और उसकी जान निकल गई। हादसा ये जो है 11 जून 2019 का है, लगभग दोपहर 3 बजे का। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और अपने परिवार में सबसे बड़ा पुत्र अमन ये था और एक भाई छोटा इससे गोदी में है और एक इसकी बहन है। 2-3 बच्चे हैं इस अपने परिवार में और काफ़ी गांव में एक कमातम सा छाया हुआ है और काफ़ी लोग आहत हैं, क्योंकि परिवार कुछ बताने से असमर्थता जाहिर कर रहा है। क्योंकि गांव में एक मातम सा छा गया है, क्योंकि हर आदमी इनकी व्यवहार कुशलता से और गरीब परिवार था जो है, जो कि सहानुभूति में ढांचा बंधा रहे हैं, लेकिन एक दुख का पहाड़ टूट गया है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो हैं और फाइल फ़ोटो भी है। और कक्षा एक का छात्र था, प्राइवेट पढ़ता था और गत दिनों ये अपने नाना के वहाँ शिवपुरी गया हुआ था, जहाँ पे घटनास्थल घटी है और रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी में घटनास्थल है। और गांव का निवासी करसा है, करसा गांव का, जहाँ पे प्रधान जी हैं शिवपुरी के, जो ग्राम के सभापति हैं। और हम ये पूरी घटना से जानकारी लेंगे उनसे, क्योंकि ये वही घटनास्थल गांव के हैं शिवपुरी के। कैसे क्या हुआ था लोग बता रहे हैं, वह तरह जो है खिला रह रहा है शरबत, बच्चे जो है मतलब शरबत वरबत पी के बाद में जो है मतलब इधर बहराइच तरफ से गाड़ी जा रही थी। किधर जा रही थी? रेवसा की तरफ। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी एक ये अल्टो जैसी थी। ओमनी थी क्या थी? अभी ये नाम तो नहीं पता है क्योंकि विधवत देख नहीं पाई। अच्छा, वो बहराइच से रेवसा की तरफ जा रही थी। रेवसा की तरफ जा रही थी। अच्छा, फिर और जो है ये जहाँ शरबत खिला रहे थे उससे कुछ दूरी पे लड़का था। हाँ, जहाँ पे जो है मतलब नहीं, शरबत पिलाने के लिए बढ़ा आगे, कैसे क्या हुआ? ये जो है मतलब उधर पूर्व साइड में शरबत पिला रहे थे लोग, ये पश्चिम साइड में था और उधर से जो है मतलब इधर को बढ़ा आगे, गाड़ी उधर से आ गई, गाड़ी से मतलब टकराया, गिर गया, सामने से टक्कर हुई। हाँ, और गाड़ी वाला जो है भगाया लिए चला गया, गाड़ी नहीं पकड़े मिली। गाड़ी नहीं, कोई प्रयास नहीं क्या पकड़ने का? पकड़ने का जब जो ही गाड़ी जब तक उठाई जाए, स्टार्ट की जाए, तब तक वो निकल गया। अच्छा, वो गाड़ी रेवसा की तरफ गई थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं किया, जानकारी नहीं दी? कि पुलिस को तो कोई जो है मतलब सूचना नहीं मिली। नहीं नहीं, आप तो घटनास्थल पर थे, आप प्रधान थे, आप तत्काल पुलिस को फोन भी कर सकते थे, इधर उधर जो है तत्काल कुछ पुलिस करती। वो गाड़ी जो है लड़की को उठाए वहाँ, वो लड़के को उठा करके वहाँ से जो है मतलब तुरंत। अच्छा, इसकी जान कहाँ गई है? वही घटनास्थल पे जान गई है? जो है लिए जा रहे थे लखनऊ। अच्छा अच्छा, महमूदाबाद से कुछ थोड़ा आगे निकले थे रास्ते में। रेवसा में नहीं दिखाया? नहीं, रेवसा में दिखाया गया था, तो रेवसा से कहा ट्रामा सेंटर ले जाओ वहाँ लखनऊ, तो वहीं लिए जा रहे थे। क्या नाम है आपका? सूरज। ये सूर्यलाल प्रधान है ग्राम शिवपुरी के, जहाँ पे घटनास्थल घटना घटी है। और पूरी घटना से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। कहते हैं एक शोक की लहर में एक जो मासूम की जान गई, उसके पिताजी काफ़ी आहत हैं और काफ़ी दुख का एक पहाड़ टूट गया है। लेकिन बात करते हैं ये घटना कैसे घटी है और कहाँ गया था, क्या नाम था इसका,
क्या नाम है भैया आपका? कुत्तीलाल। ये आपका लड़का है? क्या नाम है इसका? अमन। कै साल का होगा? 6 साल का। ये कैसे क्या हुआ है हादसा? अच्छा, ये लड़का शरबत पिला रहा था। अच्छा, फिर मारुति वैन वो किधर से किधर जा रही थी? साथ में इस बच्चे के साथ में कौन था? किधर से आवत रहे? नहीं नहीं, ये पहले इसका कहीं रुकता था? ननिहार में रहा है, सिपरी में। सिपरी में किसके वहाँ ननिहार था? हमारे यहाँ शत्रु। अच्छा अच्छा, ये कब गया था? ठीक है, ये पिताजी हैं, उसके बहुत दुखी हैं, एक दुख का पहाड़ टूटा है, कुछ बात करने में असमर्थ दिख रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे। ये बच्चा कै नंबर का था? ये बड़ा बड़ा बच्चा था, सबसे बड़ा बच्चा था। कई बच्चे हैं आपके? दूसरे वाले हैं? दो लड़के हैं। लड़की के हैं? एक लड़की है। अच्छा, इस बच्चे, ये बड़ा वाला बच्चा है जो ख़त्म हुआ है, इसका नाम अमन है? अमन है। आप उसके पिताजी हैं? क्या नाम है आपका? पुत्तीलाल। अच्छा, दूसरे बच्चे का क्या नाम है? उसका नाम है, नाम मतलब। अच्छा, गोदी में? छोटा है वो, गोदी में है। एक इससे बड़ी लड़की है? हाँ, इससे बड़ी। लड़की क्या नाम है? नहीं, जो खत्म हुआ उससे छोटी लड़की। हाँ, दूसरे नंबर पर। क्या नाम है बच्ची का? पल्लवी। पल्लवी। अच्छा अच्छा, तीन बच्चे हैं, एक लड़की और दो लड़के। ये बड़ा वाला बच्चा था? अच्छा सर, और ननिहाल इसका कहाँ पे है? सुप्री में। किसके वहाँ? शत्रुघ्न के वहाँ। कब गया था ये? हम रूबरू कराते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को, क्योंकि जो ये हादसा घटा है, ये किशोर जो है अपने नाना रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी में रहता था, और वो पप्पू हमारे साथ में है। पूरी घटना से रूबरू कराएंगे, आप लोगों को जानकारी देंगे कैसे क्या हुआ। आपका नाम पप्पू है? किसके लड़के हैं आप? रामपाल। कहाँ घर है आप? शिवपुरी में घर है। ये बताओ, ये जो बच्चा की जान गई है, कैसे हादसा हुआ है? अब जब हम गए ना है तो उत्तरे एक लौंडा वहाँ घर है क्या लिए खड़ा रहा है, इसे हम तले दौड़ पहुँच गए। नहीं नहीं, ये बताओ वहाँ पे कोई भंडारा या कोई चल रहा था, कैसे पूरी घटना से? शरबत दूर की आवाज आ रहा है, लड़ा दूर है। ठीक है, लेकिन हादसा कैसे हुआ, कैसे लड़ा ये? अरे, या चीज जान पाए तो हम नंबर ना ले ली थी। नहीं नहीं, आप तो वहाँ थे? नहीं थे, हम नायरा ना वहाँ घर पे पहुँचे। नहीं, लोग बता रहे हैं कि पप्पू साथ में थे? साथ में नायरा ना, हम घर पे पहुँचे। अच्छा, फिर कैसे क्या हुआ ये पूरी बताओ, जैसे जो आपने सुना हो वो चीज़ बताओ। जैसे का हम पहुँचे ना, तैसे ही लौंडे को उठा लिया, लेके अस्पताल पहुँच गए। ठीक, ये कई बजे की घटना है? लगभग 2 बजे की घटना। फिर रेवसा सीएचसी गए थे आप? अस्पताल सरकारी रेवसा गए थे? फिर वहाँ डॉक्टर ने क्या बताया, इलाज किया इसका? इलाज किया नहीं, कहीं नहीं, बल्कि बात है लखनऊ में। नहीं नहीं, जब ये चोट खाया था तो घायल हुआ था कि ऑन स्पॉट मौत हो गई थी? मौत नहीं भैया, मरा हुआ वो तो कहे अस्पताल लग गई। नहीं नहीं, घायल हुआ था। ये घटना कहाँ पर घटी है, कौन सी जगह पे? शिवपुरी चौराहे पर। शिवपुरी चौराहे पर। अब यह चीज हम नहीं बता पे, साथ हम नहीं रहा। नहीं, फिर इसको साथ में अस्पताल से चले आए। फिर साथ में कौन रहा वहाँ? अच्छा, ये यहाँ की घटना इन्होंने रेवसा सीएचसी तक बताया, और हम बात फिर करते हैं उसके मामा से। ये बच्चा जख्मी हुआ था गाड़ी से? हाँ, जख्मी हुआ। फिर जख्मी हालत में इसको कहाँ ले गए थे? सरकारी रेवसा। फिर वहाँ से क्या डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर पट्टी मलहम कर दिया, रिफर कर दिया। फिर उसके बाद कहाँ लिए जा रहे थे? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर अटे थे आप? कुर्सी और मोहम्मदाबाद के बीच। बीच में आप प्राइवेट वाहन से जा रहे थे, एम्बुलेंस से? प्राइवेट से जा रहे थे। फिर वहीं रास्ते में जो है कुर्सी और मोहम्मदाबाद के बीच में दम टूटा है? हाँ। अच्छा, तो फिर लखनऊ नहीं पहुँच पाए? लखनऊ नहीं। फिर वापस आ गए? हाँ। फिर आप जाने कैसे इसकी जान चली गई? जान जब दम किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, क्या डॉक्टर को दिखाया? कुर्सी के पास या मोहम्मदाबाद पर? हाँ, कुर्सी के पास। अच्छा, किसी डॉक्टर सरकारी में दिखाया, प्राइवेट? प्राइवेट में दिखाया। क्या सरकारी मोहम्मदाबाद दिखाया? तो फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर बताया कि इसका दम नहीं रह गया। अच्छा अच्छा, पिछली बेफे को? हाँ। अच्छा, तब से वहीं था? हाँ। आपका क्या लगता है? भांजा लगता है। क्या नाम था? अमन। अमन कै साल का होगा? 6-7 साल।
नहीं ज़्यादा यार, करीब 6-7-8 साल का होगा। अच्छा अच्छा, ये आप ही के वहाँ था? अच्छा, हादसा जो घटा है वो शरबत पिलाते वक्त घटा है? हाँ, शरबत। अच्छा, वो गाड़ी किधर से किधर जा रही थी? गाड़ी किधर से किधर गई बहरे थी आवती है और उसा जाती है। बहराइच लंग से किधर जा रही थी? रेवसा की तरफ जा रही थी, जिस वाहन से ठोकर हुई। ये लड़के जो मृतक है माँ किशोर, उसके मामा हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? शिवपुरी में। कैसे क्या हुआ, ये बच्चा कब गया था आपके वहाँ? भैया रेवसा चले गए, खाना वाना बना खाई सोई से, चार लंबे हमारे रहा है, पचे लंबे रहा है। और ये शरबत ऊपर पर प्रधान शिवपुरी वाले पिया वाले यू हुए या हम जब चले गए रेवसा तो यू सब संगठन मनाए नहीं है सब ठीक। और हम जब रेवसा रहा तो हम यहाँ पर वहाँ पर उनका आप वक्तन में यहाँ कहूँ गाड़ी वाड़ी कहूँ किसी हुई विभाग या वह गाड़ी में खंडा दी मालिक जाने कैसे का भाव। अच्छा, गाड़ी मिली कि नहीं मिली? गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी नहीं मिली। ये कई बजे कवा किया है लगभग? अब अच्छा, इनके साथ में कौन था? बच्चे रहे, बच्चे चार ठोर हमारे। नहीं, कोई पप्पू नाम का आदमी था? पप्पू नाम का, हाँ। लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। मैं प्रेम वाजपेयी, पत्रकार रेवसा सीतापुर की रिपोर्ट। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम करशा की हैं, जहाँ पे एक मासूम की जो है एक अज्ञात वाहन की ठोकर से जान चली गई है, और उसी की तस्वीरें। बड़ा कोहराम मचा हुआ है गाँव में, एक काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, जहाँ आज बड़े मंगल के शुभ अवसर पर चौथे जगह जगह शरबत पिलाया जा रहा था और लोग भक्ति में डूबे हुए थे। वहीं पर एक काफ़ी एक मासूम किशोर अवस्था में जो है एक बच्चे की जान चली गई है। और हम ये तस्वीरें कुछ और आपको, जो परिजन उनके रो रो कर गाँव में एक शोक की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। भंडारा के उपलक्ष्य में भी जो है शिकायतों का अंबार, और जन शिकायतें सुनते विधायक से उठा। लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। मैं प्रेम वाजपेयी, पत्रकार रेवसा सीतापुर की रिपोर्ट। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम करशा की हैं, जहाँ पे एक मासूम की जो है एक अज्ञात वाहन की ठोकर से जान चली गई है, और उसी की तस्वीरें। बड़ा कोहराम मचा हुआ है गांव में, एक काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, जहाँ आज बड़े मंगल के शुभ अवसर पर चौथे जगह जगह शरबत पिलाया जा रहा था और लोग भक्ति में डूबे हुए थे। वहीं पर एक काफ़ी एक मासूम किशोर अवस्था में जो है एक बच्चे की जान चली गई है। और हम ये तस्वीरें कुछ और आपको, जो परिजन उनके रो रो कर गाँव में एक शोक की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ है और सामने से जबरदस्त ठोकर लगी है, जिससे कि उसकी जान चली गई है। काफी गांव में एक कोहराम सा मचा हुआ है, जो जहां से सुनता है वो आहत होकर, और सभी की आंखों में आंसुओं की धार बह रही है, और नम आंखों से हर आदमी दुखी है। क्योंकि ये गांव करशा गांव है, जहां पे काफ़ी लोग आहत हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जहां पे एक लोग शरबत जगह जगह पिलाकर पूर्ण का काम कर रहे थे, वहीं पर पता नहीं क्या ईश्वर की मर्जी हुई और क्या उसको सूझा कि एक बहुत बड़ा एक कहर एक परिवार के ऊपर बरपा दिया, और एक मासूम की सड़क हादसे में जान चली गई।
ये जो आम जनमानस का जनसैलाब ये कुमड़ा हुआ देख रहे हैं, ये एक दुखद घटना का जनसैलाब है। और ये रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम करसा गांव की घटना है, जहां पर एक किशोर की एक अज्ञात वाहन की ठोकर से मासूम की जान चली गई है और पूरे गांव में एक मातम सा छाया हुआ है जब से ये एक भीषण हादसा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि जितनी भी तस्वीरें हैं, हर आदमी अपने दिल से आहत है और सभी की आँखें आंसुओं से नम दिखाई दे रही हैं। जो जहां से सुनता है वो दौड़ा चला आ रहा है, क्योंकि एक गांव में बिल्कुल कोहराम सा मचा हुआ है। इस प्रकार से इतना बड़ा हादसा हुआ है कि जहाँ पर एक तरफ खुशी में डूबे हुए थे लोग, भक्ति का जुनून सवार था, वहीं पर एक पल भर में जो है एक मातम सा छा गया। काफ़ी गांव में एक अफरा तफरी का माहौल है और काफ़ी लोग दुखी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है आज इस ज्येष्ठ माह के पवित्र महीने में। और हर आदमी इस परिवार के लिए दुखी है, क्योंकि जिसका बेटा है वो व्यवहार कुशलता में काफ़ी लोगों का प्रिय था, इस और एक दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। इस वजह से लोग परेशान हैं और उन्हीं के दरवाजे पे पुत्तीलाल का बेटा है और पुत्तीलाल के दरवाजे पे काफ़ी लोगों का जमावड़ा यहाँ इस दुख की घड़ी में लगा हुआ है और काफ़ी लोग आहत हैं। काफ़ी लोगों का आना जाना दरवाजे पर है, क्योंकि एक काफ़ी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये करसा गांव की तस्वीरें हैं जो कि रेवसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पड़ता है गांव, और घटना स्थल जो है वो भी रेवसा क्षेत्र का है, शिवपुरी गांव, जहां पे घटना घटी है। और ये जिसका मासूम एक किशोर बच्चा की जान गई है, उसी के दरवाजे की तस्वीरें हैं। पीएम परिवार रीजन नहीं कराना चाह रहे हैं, क्योंकि दयनीय हालत उनकी ठीक नहीं है। काफ़ी एक मजदूरी और उससे अपना जीवन यापन करते थे, और गांव का एक प्रजा होने के नाते काफ़ी लोग आहत हैं और काफ़ी सहानुभूति में उनका ढांचा बंधा रहे हैं। ये जो आम जनमानस का जनसैलाब ये कुमड़ा हुआ देख रहे हैं, ये एक दुखद घटना का जनसैलाब है। और ये रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम करसा गांव की घटना है, जहां पर एक किशोर की एक अज्ञात वाहन की ठोकर से मासूम की जान चली गई है और पूरे गांव में एक मातम सा छाया हुआ है जब से ये एक भीषण हादसा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि जितनी भी तस्वीरें हैं, हर आदमी अपने दिल से आहत है और सभी की आँखें आंसुओं से नम दिखाई दे रही हैं। जो जहां से सुनता है वो दौड़ा चला आ रहा है, क्योंकि एक गांव में बिल्कुल कोहराम सा मचा हुआ है। इस प्रकार से इतना बड़ा हादसा हुआ है कि जहाँ पर एक तरफ खुशी में डूबे हुए थे लोग, भक्ति का जुनून सवार था, वहीं पर एक पल भर में जो है एक मातम सा छा गया।